निकलें तो कहाँ है पवित्र भूगोल? पवित्र भूगोल वही है जहाँ हम अपने आप को ढूंढ निकालें बार बार। इस कसौटी पर काशी अद्वितीय है, आत्म अनुसंधान का केंद्र, संत फकीरों की तपोभूमि, दिव्यता का रंगमंच। और सानिध्य के लिए स्वयं शिव। शिव अनंत है और अंतह में है। एकाग्र होकर अंतह में झांकें तो शिव प्रस्तुत दिखेंगे काशी में। जहाँ शिव वहाँ उनका फैन क्लब। कहा जाए तो साधक और साध्य का यह मिलन ही काशी के पवित्र भूगोल को बनाता है। फिर चाहे वह भव्य मंदिरों में सजा हो, गली के शिवालयों में, या फिर भक्त के भीतर। पंडित मृदुल मिश्रा पिछले 16 वर्षों से निरंतर हर सुबह शिव की प्रभात फेरी निकालकर अपने आराध्य का दर्शन कर रहे हैं। पर सिर्फ शिवालयों में ही नहीं, शिव का व्यक्तित्व का दर्शन आपको यहाँ के व्यक्तियों में मिल सकता है। यहाँ के विद्वान भी मिलेंगे, यहाँ के कलाकार भी मिलेंगे, यहाँ अल्हड़पन भी मिलेगा, यहाँ क्रोध भी मिलेगा। पर शिव को पहचानेंगे कैसे? पंडित मिश्रा से ही पूछते हैं। आनंद कंद हैं, अर्थात आनंद का वितरण करते रहते हैं और पापियों का नाश भी करते हैं। हत पाप वृंदम, इसके बाद वाराणसी नाथम, वाराणसी के नाथ हैं, फिर अनाथों के नाथ हैं, वाराणसी नाथम अनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये, इसके बाद संपूर्ण विश्व के ही नाथ हैं। शिव के ये प्रारूप भक्तों के कर्म कांड में यहाँ प्रत्यक्ष दिखते हैं, साथ ही इसके पीछे अप्रत्यक्ष पवित्र ज्योमेट्री भी है जिस पर काशी की बनावट आधारित है। ज्योमेट्री में तीन मूल आकार हैं, त्रिकोण, चौकोर और वृत्त। समस्त ब्रह्मांड इन्हीं तीन मूल आकारों का समीकरण है। जो शब्द है काशी, उसकी व्याख्या हम इस तरह करते हैं, काश्या इति काशी, वेयर द कॉस्मिक लाइट कंसंट्रेट। तो यहाँ ये प्रश्न उठता है कि हमें केंद्र चाहिए और त्रिज्या चाहिए, ये दो मिल जाए तो हम तीनों की व्याख्या कर सकते हैं। तो केंद्र के लिए जब टेक्स्ट पढ़ा तो वहाँ एक शब्द आया मध्यमेश्वर, तो हम लोग वहाँ फिर गए और फिर जब नापा तो पता चला मैक्सिमम ग्रेविटी, जो बनारस का हम लोग का सर्वे मैक्सिमम वही है। केंद्र तो मिल गया, अब त्रिज्या को जाना है। त्रिज्या का हम लोगों ने इस रूप में डिफाइन किया कि गेट जैसे कोई हो, यदि कोई ब्रह्मांड है तो गेट है। अब इसको हम लोगों ने मैप के माध्यम से ट्रांसफर किया, प्लॉट किया तो सर्कुलरिटी, तो फिर कहा कि चार दिशाओं के चार स्वामी हैं, जो गणेश के रूप में हो सकते हैं, भैरव के रूप में हो सकते हैं, या लोकल कोई गण हो सकते हैं। जब देखा टेक्स्ट में तो पाया गया वो गणेश का ही दूसरा रूप है। तो इन चारों कोनों पर जब गए तो उसका भी यदि हम रेखाएँ खींचे तो केंद्र कौन था, तो मध्यमेश्वर है। तो वृत्त हो गया, चौकोर हो गया,
फिर है देवियों की बात है या विष्णु की बात है या शिव की बात है, तो उसमें तीन को प्रमुखता दी गई है, उन तीनों को फिर उसमें नाप के बैठाया। तो इस तरह से आप बोलिए कि तीन लेयर्स में पहले हो गया त्रिकोण, फिर चतुर्भुज, फिर वृत्त। तो तीनों को जब प्लाट किया तो एग्जैक्ट वो फील्ड में आने लगे। तो निश्चित है हम कह सकते हैं कि काशी इज ए कॉस्मस। तो इस तरह से काशी वह परिक्षेत्र है जिसे ब्रह्मांड के रूप में ही ढाला गया। पर ब्रह्मांड क्या है? शिव ही तो हैं। ब्रह्मवर्त पुराण में काशी को त्रिशूल पर खड़ा बताया गया है, तो क्या इसकी भी कोई भौगोलिक अभिव्यक्ति है? तीन हमारे हिलक पाए जाते हैं, उत्तर की ओर ओंकारेश्वर, मध्य में विशेषेश्वर, दक्षिण में केदारेश्वर। अब इसको आप स्केच में ट्रांसफर कर दिए तीन ऐसे, तो आधार क्या है? गंगा जी है। तो यदि आधार ये गंगा जी है, तीन इस पर पीक है, त्रिशूल तो बन गया। और यही आदिकाल में काशी का स्वरूप था, एक सिद्ध क्षेत्र जिसके तीन उप क्षेत्र तीन अलग टीलों पर बसे थे। यही है त्रिशूलमयी काशी का तात्पर्य। पवित्र भूगोल है तो उसकी यात्राएं भी हैं। यह भी एक मास्टर प्लान का हिस्सा है। इन सभी यात्राओं का अपना महत्व तो है ही, साथ ही यह एक साधन है साधक का भौतिकता के परे कुछ छूने का। मिलिए संजय शुक्ला से, काशी प्रेमी, गृहस्थ, अंडरकवर योगी, रूहानी, पत्रकार और जिंदगी के विद्यार्थी। ये सभी विशेषण फिट बैठते हैं इन पर। संजय पंचक्रोशी यात्रा पर हैं और साथ ही एक आंतरिक खोज पर भी। अगले 5 दिनों में 5 मुख्य पड़ावों से होते हुए 5 कोस या लगभग 75 किलोमीटर पैदल चलकर संजय ये यात्रा संपन्न करेंगे। यंत्रवत के रूप में काशी का स्वरूप प्रदर्शित किया जाता है, और ये प्रदर्शित किया ही नहीं जाता है, यह है ही। ऐसे मानो कि यहाँ पे अद्भुत एक ऊर्जा का संचार यहाँ के वातावरण में होता रहता है। इस यंत्र रूपी काशी की ऊर्जा का नाद है शिव का महामंत्र, जिसका स्पंदन निरंतर होता रहता है यहाँ। मंत्र ही मंत्र है, मन के अंतर से प्रस्फुटित जो शब्द है वही मंत्र है। तो यह मानस भोग है, मन से निर्माण किया, प्रभु को देता गया। समर्पण की इस धारा का गंतव्य है शिव। काशी एक महायंत्र है साधक के लिए अपने साध्य तक पहुंचने का। दस्तक दें तो न जाने कितने ही द्वार खुलेंगे यहाँ देवत्व को पाने के। उन्हीं में से एक है योग। मैं योगिनी स्मृति,
और हमारा जन्म काशी वाराणसी में हुआ है, और चूँकि धनाढ्य परिवार में जन्म हुआ तो योग की शिक्षा हमेशा योगियों के द्वारा हमेशा मिलती रही है घर पे हमें। तो योग आखिर है क्या, महज व्यायाम या कुछ और? जिस प्रकार से योग को पूरे विश्व में फैलाया जा रहा है आसन और एक्सरसाइज के तौर पर, इसको हम यहाँ पर खंडित कर देंगे। यह सीढ़ी है उस माध्यम, उससे जुड़ने की, उस परमपिता परमात्मा से जुड़ने की। आपका जब यह शरीर पूर्ण रूप से प्योरीफाई नहीं होगा, शुद्धि नहीं प्राप्त कर लेगा, तब तक आपका मन भटकेगा। तो योग में एक सूत्र है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः। योग के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, न कि आसन करके आपका निरोध हो जाएगा। योगिनी स्मृति भी साधना पथ पर हैं। उनका मानना है कि काशी उनकी साधना का पूरक है। तो भगवान शिव ने इस स्थान को, उनको बहुत प्रिय है महाशमशान, ये बहुत प्रिय है। अगर जब भी व्यक्ति को बहुत डीप ध्यान करना है या मेडिटेशन करना है, वो मणिकर्णिका पे ध्यान करें, वो स्वयं को उसको अनुभूति होने लगेगी क्यों वो पैदा हुआ है। आत्म अनुसंधान की जो प्रक्रिया है वो स्वतः ही क्लियर हो जाएगी। वो मैं कौन हूं की जो है मैं शब्द का वहां उत्तर मिल जाएगा मणिकर्णिका मां शमशान में आपको। योगियों के योगी हैं आदि योगी शिव। योगिक परंपरा के अनुसार शिव के ब्रह्म रूपी शरीर को स्थापित किया गया है काशी में। शरीर ही ब्रह्म है, ये जो हमारी वैदिक सूक्ति है, तो इसको ये माना गया कि ये जो शरीर तो शिव का है। तो शिव केवल देव के रूप में नहीं बल्कि ब्रह्मांड के रूप में। तीन जो मुख्य हमारी नाड़ियां हैं जो मिलती हैं एक खास तरह से, तब पूरी एनर्जी का संचार होता है। ईड़ा और पिंगला और पीछे जो सुषुम्ना नाड़ी है, तो इसको ये हम बाड़ी को ऐसे मोड़ दे दें और इस रूप में दिखाएं, तो पिछला हिस्सा जो सुषुम्ना हो गया, तो आप जो ये बेंडिंग हो रही है ये गंगा जी है। ऊपर जो ये जा रहा है तो ईड़ा हो गई और पिंगला हो गई, और इसी के अनुसार से तीन ऐसी स्थितियां कायम की गई जैसे शिव लेटे हुए हैं। नाभि हो गया, मणिकर्णिका के पास हो गया जहाँ बंदी देवी के स्थान है, और इधर जो है चला गया शैलेश्वर का पैर है, और वहीं पाएंगे कि विष्णु का भी है। तो विष्णु का सर इधर है, नाभि इधर है, पैर इधर छूता है, और ये जो इस तरह का मिलन है तो कहेंगे अर्धनारीश्वर का अद्भुत रूप है। विष्णु ही तो मोहिनी रूप में बने थे, सबको मोहने के लिए स्त्री रूप पकड़े थे। शिव हैं तो शक्ति होगी, शक्ति हैं तो शिव होंगे। वह पहला शब्द होता है अर्धनारीश्वर, एंड्रोजेन, हाफ मेल हाफ फीमेल, और इस तरह से पूरा नगर ही जो है वो जो है इस परिक्षेत्र को दिखा रहा है जहाँ आदि शक्ति जन्म रही है। आदि शक्ति के सभी स्वरूप मिलेंगे काशी में, उनमें से एक का बखान करते मिलेंगे मल्लाह। भवानी मैया जय हो गंगा महारानी, तेरो निर्मल बहता धारा जय गंगा महारानी। हमारी पूरा जिंदगी निर्भर है, मैं इन्हीं से पैदा हूँ, मैं जी नहीं सकता हूँ। इस धारा को अगर रोक दिया जाए तो जी नहीं सकता हूँ मैं। जल ही जीवन है, ये मल्ला जल से पैदा है। गंगा आराध्य भी हैं, और वर्तमान काशी में पंडित मृदुल मिश्रा जैसे कर्म योगियों का कुरुक्षेत्र भी। दानों में महादान श्रम दान होता है, हम श्रम दान के प्रयोग माँ गंगा के लिए करेंगे। जितनी हमारी क्षमता होगी हम उतना ही स्वच्छ करेंगे। स्वच्छ गंगा की यदि कामना करनी है तो प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्म का दान अपने श्रम के स्वरूप में माँ गंगा में देना चाहिए।
माँ गंगा के तीर चलते चलते पंचक्रोशी यात्रा मार्ग के 29वें मंदिर पर आ पहुंचे हैं संजय, असी संगमेश्वर मंदिर। यहां सहज ही इस पवित्र भूगोल का एक नया आयाम प्रस्तुत होता है, राम नाम। राम नाम की प्रयोगशाला भी है काशी, नाम लीजिए और तर जाइए। इस लेबोरेटरी की मास्टर क्लास दी स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने। राम की कथा, तुलसीदास की रचना और व्यावहारिक जीवन में उसका प्रयोग, एक मोटरसाइकिल पर इसकी दौड़ती भागती मिसाल मिलेगी काशी में। मैं राष्ट्रवादी विचारधारा का राम कथा वाचक हूँ और राम कथा के द्वारा जन कल्याण करना ही मेरा मकसद है। पंडित सचिदानंद त्रिपाठी रामचरितमानस को विश्व गुरु मानते हैं। रामचरितमानस जो है प्रयोग शास्त्र है, इससे सरल साधन सरल माध्यम पूरे संसार में नहीं हो सकता है। आप जिस भी स्तर के हैं, जिस भी श्रेणी के हैं, सभी के लिए सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, सुमिरत सादर समन कलेसा। समाज के हर पक्ष को गोस्वामी जी ने स्पर्श किया है। तो परमात्मा सरल है, सुलभ है। गोस्वामी जी ने कहा कि निज प्रभु में देखन चाहे कैसन कवन विरोध। परमात्मा बैकुंठ में मिलेगा, परमात्मा स्वर्ग में मिलेगा, परमात्मा वहाँ मिलेगा, परमात्मा यही मिलेगा, यही मिलेगा, यही लोगों को मिला है परमात्मा, इसी तुलसी घाट पर मिला है गोस्वामी जी को। एक ही शक्ति का नाम है शिव, उसी का नाम है राम। क्योंकि वह मेरे में भी रम रहा, आप में भी रम रहा, सब में रम रहा, इसलिए वह राम नाम प्राप्त कर लिया। सर्वे रमन्ति सह रामः। दिव्यता के इस आंचल की प्रदक्षिणा करते हुए संजय आ पहुंचे हैं पंचक्रोशी यात्रा के प्रथम पड़ाव पर, कंदवा में श्री कर्दमेश्वर मंदिर। इस प्रथम पड़ाव में मेरे जीवन के ऐसे कई अनुभव यह मेरे सामने धीरे धीरे प्रस्तुत हो रहे थे। जीवन मेरे लिए यह इतना सुखमय है क्योंकि इन क्षणों में जो मेरे अंदर की जो बुराइयां होती हैं वह मेरे मन पे प्रभावित नहीं करती हैं, मेरे मन पे आच्छादित नहीं होती हैं। तो जब मैं उन मंदिरों को देखता हूँ तो उसमें देवी भी आती हैं, यक्ष यक्षणियाँ भी आते हैं, यह नाम भी मुझे कौंधते हैं। निश्चित तौर पे उनकी जो महिमा है वह निश्चित है, उनके अंदर जो है प्रवाह कर रही होती है। हम उसी ऊर्जा को, उसी उष्मा को जो है अपने अंदर उस उष्मा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। पंचक्रोशी यात्रा मार्ग पर आने वाले मंदिर और उनके किनारे स्थित कुंड काशी की पवित्र ज्योमेट्री और विज्ञान का अविस्मरण फिर कराता है। तीन चीज़ें हमें चाहिए किसी भी पूजा के लिए यदि प्राचीन सनातन धर्म का आधार लें। पहला है जल, जिसको हम कहते हैं जल ही जीवन है। दूसरा है पृथ्वी और तीसरा है, इन दोनों को जोड़ने के लिए सूर्य, प्रकाश चाहिए। ये माना गया कि शिव शिवा शक्ति है, शिव और शिवा पार्वती के मिलन की जो लिक्विड स्थिति है गंगा की, उसको जल में जब डाला तो उसको कहा कि ये तालाब हैं, पोखरे हैं, बट कई शब्द प्रयोग हैं इसके लिए। और काशी में इस तरह से 54 तीर्थों का वर्णन है, जल तीर्थ में विभिन्न पोखरों के किनारे थे। यह कुंड काशी की जीवन रेखा हैं, सभी एक अंडरग्राउंड नेटवर्क का हिस्सा रहे हैं और गंगा नदी से जुड़ते हैं। बढ़ती आबादी और शहर के बदलते स्वरूप के चलते यह कुंड और पोखरे विलुप्त होते गए। व्यवहारिकता के साथ साथ
यह काशी यंत्र के महाअनुष्ठान का हिस्सा भी है। इन्हीं में से एक है लोलार्क कुंड। डुबकी मारेंगे तो शिव भी याद आएंगे और राम भी। डुबकी मारने वालों में संतान के इच्छुक दंपत्ति भी हैं। अब वहीं से शुरू होता है कि प्रजनी कल्ट आया, कि जल को हम ऐसी शक्ति में जोड़ें जिससे बच्चा हो सके, शुभ लाभ हो सके, जीवन चल सके। मुख्य पंडित जी की माने तो सफलता दर भी काफी हाई है। बाकी बाबा है, करते हैं सबका, पूरा करते हैं। अब 100 में 10-20% कोई अधिक तो होना मुश्किल है, भाई 80% पूरा होता है। सब जीवन है, केवल जीवन, मृत्यु मिथ्या है, बस एक ऊर्जा है जो सिर्फ स्वरूप बदलकर बहती रहती है। इस सत्य का काशी में वास्तविक अनुभव संभव है। सब कुछ जुड़ा है एक ही सूत्र से। पंचक्रोशी यात्रा भी इसी सूत्र की एक कड़ी है। संजय के लिए इसका अनुभव सिर्फ मंदिर के गर्भगृह में ही नहीं, बल्कि गांव मोहल्लों के सर्वसाधारण में भी है। देवत्व के दर्शन इनमें हैं और इनसे भी हैं। आत्मचिंतन, आत्ममंथन और आत्मबोध युग अनंत से इस साधना पथ पर चलने वालों के लिए काशी प्रेरणा स्रोत रहा है। भगवान बुद्ध की आंतरिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव काशी में ही है। आत्मबोध के प्रकाश के बाद बुद्ध सारनाथ आए, यहीं आकर अपना सर्वप्रथम प्रवचन दिया और धर्म चक्र को चलायमान किया। क्या कारण रहा होगा इसका? काशी प्रकाश और ज्ञान की नगरी थी और जो मूल पहले की धारा थी वैदिक पौराणिक वो यहाँ ऑलरेडी थी। तो उस ज्ञान की परंपरा में ये हुआ कि अगर आप कोई नई बात कहने जा रहे हैं तो यहाँ कहें, और यहाँ यदि इसे स्वीकृति मिलती है, सर्व स्वीकृति मिलती है, सार्वजनिक स्वीकृति मिलती है, मान्यता मिलती है, तो आपकी बात का वजन होगा और वह फिर आगे बढ़ेगी बात। सारनाथ परिसर में बुद्ध आज भी हैं और उनकी वाणी आज भी यहाँ से प्रतिध्वनित हो रही है। शास्त्रों के द्वारा यह कहा जाता है भगवान श्री राम ने इस पंचकोशी परिक्रमा को की थी, और रामेश्वर में भगवान श्री राम ने ही एक शिव जी की स्थापना की थी। वह जब प्रकरण मेरे मस्तिष्क में आता है
मेरा मन उस क्षण की ओर प्रवेश करने लगता है। वही अनुभव अगर यह जब अस्थायी भाव में होने लगे तो वहीं से मेरे अंदर की ऊर्जा लगातार गतिमान होती रहेगी और मैं उस पथ की ओर हमेशा चलता रहूंगा। साधना पथ कठिन है, पंचक्रोशी यात्रा इस सत्य की भी अनुभूति कराती है। यात्रा की शारीरिक कार्यकलाप थकान यात्री को योगी बना रही है, तैयार कर रही है एक दिव्य संभावना के लिए। केदार घाट पर माला जपते हुए रामकृष्ण चौरसिया इस दिव्य संभावना को ही ग्रहण कर रहे हैं। पान लगाते लगाते कब ध्यान लग गया पता ही नहीं चला। यही तो है काशी की महिमा, जिसमें 108 नंबर को जोड़ दें तो यह यंत्र एक अलग ही स्तर पर क्रियाशील होने लगता है। आप काउंट कर रहे हैं बीट्स को, तो 108 बार जब आप जिसको भी मान लीजिए, कोई नाम ले लीजिए, केवल एक बात याद रखिए कि उसमें आप एनर्जी के लिए कौन सा साउंड भर रहे हैं। साउंड एक ही है, वो है ओम। तो ऋषियों ने इसका प्रयोग बनाया कि बिना कुछ जाने तुम कर भी रहे हो तो कैसे करोगे, तो पंचकोशी यात्रा करो। पंचकोशी यात्रा के लिए उस पर 108 मंदिर है, तो पंचकोशी यात्रा जब करे तो हूबहू वही माला है वो, कहां से कहां तक, जन्म से मृत्यु तक। और इस तरह से अपनी आत्मा, अपने भाव, अपनी श्रद्धा को आपने वर्ष पर्यंत के लिए शुद्ध करके एक नए दिशा में एनर्जी दे दी। ये है 108। गंगा जी में जो बोकर संजय पंचक्रोशी यात्रा समाप्त करते हैं। एक अन्य यात्रा चलती रहती है, सभी यात्री हैं इसके अपने अपने पथ पर। इसका पवित्र भूगोल सबके भीतर है, सृष्टि में राम में है, शिव शक्ति सब में है, एक ही है। काशी भी युगों से यही कह रहा है, क्या कोई सुन रहा है? Yeah.